पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज आज से हो गया है। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया रही। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला। छत्तीसगढ़ की 10 सीटें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 5 बजे तक वोटिंग का समय रहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मतदान हुआ है। जिले के एक मतदान केंद्र पर पूरी 3 पीढ़ियां वोट डालने पहुंची और इन्हीं मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया, कहीं 7 बजे से और कहीं 8 बजे से। और कांग्रेस जहां कह रही कि विकास हुआ है, फिर से सरकार हम रिपीट करेंगे, वहीं बीजेपी कह रही कि अब ना सही बो बदल के रही बो। मतदाता क्या सोचते हैं जो इस चुनाव के बारे में? देखिए, हमारे साथ 3 पीढ़ी है एक साथ अभी जिन्होंने वोटिंग किया है। आप लोग जरा अपने दिखा सकते हैं कि ये जो उंगली दिखा सकते हैं आप, वोटिंग जो की है, ये 3 पीढ़ी है एक साथ जो वोटिंग करने आया है सुबह सुबह ही। बात करते हैं, आप तो कई चुनाव देख चुके होंगे, ये चुनाव किस रूप में महत्वपूर्ण है आपकी नज़र में? अब ये चुनाव जो है वो ये है, देखो अब कौन आता है कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी कह रही कि हम विकास करेंगे, कांग्रेस कह रही कि हमने विकास कर दिया है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास हुआ या बदलाव? विकास तो नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। चलिए, जो पुरानी पीढ़ी है वो कह रहे हैं कि बदलाव होगा, विकास नहीं हुआ है। एक बीच की पीढ़ी से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? बस विकास रुक गया है कुछ अभी, इसीलिए। महिलाओं को क्या चाहिए इस चुनाव में? जो पार्टियों ने वायदा किया आपको लगा वो पूरा करेंगे? बीजेपी ने किया, आप लोग को मिला पिछले 5 या 10 साल? कुछ नहीं मिला है सर, 5 सालों से तो हमको कुछ भी नहीं मिला है। अब देखो, अब तो उम्मीद है जो है। और युवाओं को क्या भविष्य देखती है इस चुनाव के लिए? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, अब थोड़ा सा बदलाव आएगा और बहुत अच्छा लगेगा हम स्टूडेंट्स को। और हम जैसी लड़कियां जिनको थोड़े से एजुकेशन सेक्टर में चाहिए तो वो भी होगा। देखिए, 3 पीढ़ी है, सबकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं और सबका ये मानना है कि विकास तो हुआ नहीं, बदलाव चाहिए, शायद बीजेपी को ये सुकून दे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बदलाव नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी और ये अब तो चुनाव नतीजे जब आएंगे तभी पता चलेगा। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। उधर मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। वोटिंग के लिए 1200 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। मिजोरम चुनाव में 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग मतदान केंद्र में पहुंचे। मिजोरम चुनावों में 174 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी। सीएम और एमएनएफ अध्यक्ष जोरमथांगा ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा, शायद 25 या उससे अधिक सीटें जीत लेंगे। आपको बताएं कि जोरमथांगा ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुमत होगा। मिजोरम में वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों की तरह ही 3 दिसंबर को की जाएगी। और इस पूरी खबर पर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह। अंजलि, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ है और हमने अलग अलग रंग भी देखे मतदान के, क्योंकि सत्ता की सेमीफाइनल की तैयारियां हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से देख पा रहे हैं। जब 24वें लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे, काफी हद तक पटकथा यहां पर लिखी जा चुकी है। आपसे समझना चाहेंगे अब तक का माहौल कैसा रहा और अभी भी शायद पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए, तस्वीरें दिखाइए और माहौल कैसा है बताइए। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से शायद 2024 के जो चुनाव हैं उसकी एक झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि बेहद अहम चुनाव हैं ये जो अब जो
चुनाव हो रहे हैं आगामी राज्यों में, अभी 17 तारीख को भी वोटिंग होनी है, इसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, और ये पहले चरण का जो आज मतदान हो रहा है, 20 सीटें हैं जिन पर मतदान किया जा रहा है, और फिलहाल हम कवर्धा विधानसभा सीट में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि चूंकि अब 5 बजे का वक्त हो चुका है तो लोगों को अब अंदर आने की इजाज़त नहीं है, यानी गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये लोग जो पहले ही अंदर पहुँच गए थे उनके पास टोकन दे दिए गए हैं। अगर आपके हाथ में टोकन है यानी आप किस नंबर पर वोटिंग करने जाएंगे तो वो टोकन यहाँ पर दे दिए गए हैं अधिकारियों की ओर से, और अब जितने लोग बूथ के अंदर हैं उन सबको मतदान करने का मौका मिलेगा। तो देखिए अभी तक कवर्धा की जो बात करें मतदान के परसेंटेज को लेकर जो अपडेट मिला लेटेस्ट, वो 3 बजे तक तकरीबन 60% से ऊपर वोटिंग हो गई थी, जो कि एक अच्छा परसेंट माना जा रहा है, यानी 5 बजे के बाद के जो आंकड़े आएंगे वो और अच्छे ही होंगे, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ से निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सीट की जहाँ तक बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और एक विकास एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन कवर्धा को इस लिहाज से भी समझना होगा कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि वोट का पोलराइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि 2021 में जब यहाँ पर दंगे हुए थे उसके बाद से ही एक तरह से देखने को मिला कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा कि बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की है, और यही वजह है कि इस बार इस सीट पर बदलाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में आज जिन 20 सीटों पर वोटिंग जो है वो की गई है तो वोटिंग परसेंटेज भी अभी तक काफ़ी सीटों से अच्छा दिख रहा है, और इसके साथ उम्मीद की जा रही है कि अब चूंकि अब तो वोट करने का मौका निकल चुका है, सीट पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ही मतदान होना था, जो नक्सल प्रभावित एरिया थे वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का वक्त रखा गया था, तो अब माना जा सकता है कि तकरीबन जो वोटिंग का समय है वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और जिन वोटिंग सेंटर्स पर अभी भी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कतार, जिन वोटिंग सेंटर्स पर मतदाता भी अंदर मौजूद हैं तो उनको अपने मताधिकार का उपयोग करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है कवर्धा की इस विधानसभा सीट से नज़र आ रही है। इसी विधानसभा इसी पोलिंग बूथ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मतदान करके गए हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कवर्धा की सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ही भारी बहुमत से जीत कर आएगी। तो अब देखना होगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टी जो तमाम दावे कर रही हैं उनमें से आखिर किसका दावा सच साबित होता है, और ये जो जनता है ये आज किसके हक में मतदान करती है। जी बिल्कुल, अभी भी मतदान जारी है जैसा अंजलि सिंह बता रही हैं, और देखिए आप पीछे अंजलि के भारी तादाद में हमने ज्यादातर कतार तो महिला मतदाताओं की देखी है आपके पीछे, उम्मीद करते हैं कि भारी से भारी संख्या में लोग निकले हैं मतदान करने के लिए। बहुत धन्यवाद इस ताज़ा अपडेट के लिए अंजलि आपका।